नमस्कार दोस्तों, मैं संजय जैन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम चर्चा कर लेते हैं, जब भी चंद्रमा खाना नंबर 7 में होगा तो खाना नंबर 7 जो है वो शुक्र और बुध का घर है। इस घर में चंद्रमा को लक्ष्मी का अवतार बोला गया। चंद्रमा 7 वाला इंसान जो होता है वो शायरी या ज्योतिष का माहिर होता है, वरना उसका जो चाल चलन है वो शक से बरी नहीं होता। अगर ऐसा इंसान फकीर भी हुआ तो बहुत उच्च कोटि का वो फकीर होगा। चंद्र 7 वाले इंसान के पास ज़मीन जायदाद चाहे इतनी ना हो, लेकिन उसके पास नकद पैसों की कभी कमी नहीं रहेगी, लिक्विडिटी की उसके पास कभी कोई कमी नहीं रहेगी। चंद्र खाना नंबर 7 वाले इंसान को हमेशा चाहिए कि वो फ्लर्टिंग से बचे और अपने चरित्र को बचाकर चले। अगर चंद्रमा 7 वाला इंसान अपने चरित्र को बचाकर चलता है तो चंद्रमा काफ़ी हद तक अच्छे रिजल्ट देता है 7th हाउस में। चंद्रमा खाना नंबर 7 में हो तो इंसान को चाहिए कि कभी भी दूध और पानी को लाभ कमाने के लिए कभी ना बेचे, यानी दूध और पानी का कभी व्यापार ना करे, ना ही दूध को जला के कभी उसका खोया बना। ये चंद्रमा 7 की प्रिकॉशंस हैं। चंद्रमा 7 वाले इंसान को चाहिए कि वो 24वें वर्ष में, यानी चंद्रमा की जो उम्र है 24 वर्ष, उस वर्ष में विवाह ना करें। अगर वो 24वें वर्ष में विवाह करता है तो उस जातक की जो कुंडली है उसमें चंद्रमा, शुक्र और बुध तीनों ही मंदे हालात के हो जाते हैं, तो उसे 24वें वर्ष में विवाह करने से बचना चाहिए। चंद्र खाना नंबर अगर 7 है तो इंसान को ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जब भी उसकी जो शादी होगी तो उस शादी से 11 दिन पहले, यानी शादी जब होती है और उससे 11 दिन पहले वो जो चंद्र की आशियाँ हैं, चंद्र की चीज़ें हैं, वो अपने घर में कायम कर लें। अब चंद्र की चीज़ें कौन सी हो सकती हैं? चंद्र की चीज़ें हैं चावल है, गंगा जल है, चांदी है। अपने वजन के बराबर ये चीज़ें, चाहे मात्रा कोई नहीं है, चांदी या चावल और गंगा जल की कोई फिक्स मात्रा नहीं है, ये इसे अपने हिसाब से आप ले सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें अपने वज़न के बराबर आपको अपने घर में कायम कर लेनी चाहिए। इससे जो चंद्र और शुक्र का जो टकराव है वो काफ़ी हद तक बच जाएगा, उससे चंद्र और शुक्र का टकराव नहीं होगा। चंद्र और शुक्र की जो शत्रुता है वो झगड़ा फिर ख़त्म हो जाएगा। चंद्रमा जब भी खाना नंबर 7 में हो तो ऐसे इंसान को अपने उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए, जब भी चंद्रमा खाना नंबर 7 में हो तो 300 ग्राम चांदी की ईंट अपने घर में अलमारी में स्थापित कर लें। ये चंद्रमा कायम करने का भी एक उपाय है। और अगर चंद्रमा अगर मंदी हालात में है, चंद्रमा से आपको अगर पॉजिटिव रिज़ल्ट लेने हैं, तो चंद्रमा का एक बहुत ही अच्छा उपाय मैं आपको बताता हूँ कि साल में एक बार आप 7 किलो दूध, ये किसी भी धर्म स्थान में देखे हैं, ये चीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा 21 सोमवार लगातार आप अपनी श्रद्धा अनुसार दूध चावल मंदिर में रखें, इससे भी आपको चंद्रमा के काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। ये कुछ चीज़ें थी जो चंद्रमा 7 में थी, ये मैंने आपको बताई। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। टाइमिंग और व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। धन्यवाद।